आपके केंद्रीय मंत्री के, जब किसान आंदोलन चल रहा था, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर लखीमपुर खेरी में जीप चढ़ा दी। वीडियो है सबके सामने, उसका सबूत है सबके सामने। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। हमारे किसान भी प्रधानमंत्री जी के लिए कोई मायने नहीं रखते। सरेआम जीप उनको कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक दलित बेटी के साथ, 19 साल की दलित बेटी के साथ 4 लड़कों ने गैंगरेप किया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और अभी हरियाणा के अंदर, पहले नू में और उसके बाद सोना में और फिर गुड़गांव के अंदर सरेआम दो समुदायों के बीच में हिंसा हुई, पूरे दुनिया के अंदर थ्रुत हुई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, फलाने फलाने, उन्होंने 2-3 नेताओं का नाम लिया, फलाने नेताओं ने 17,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो जनता जानना चाहती है जी 3 दिन के अंदर उस घोटाले का क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। अभी किसी ने सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क को 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क पे बना दिया, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो अब देश के अंदर चारों तरफ चर्चा हो रही है, क्या मोदी जी एक कमजोर, अहंकारी और भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं? आज ये सदन प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता है कि बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, मणिपुर को संभाल लीजिए, कुछ तो कहिए, कुछ तो करिए।